दिखाएंगे हमने क्या क्या परचेज करा है फ्रॉम इंडियन शॉप। फर्स्ट प्रोडक्ट इज लीची ड्रिंक, ये भाई भाभी जी को चाहिए था, शी वांटेड दिस हाजमोला एमली बिकॉज शी लव्स हाजमोला राइट। भाई ये तो मेरा फेवरेट है भाई, जो इंडिया में 20 रुपए का मिलता है ना, यहाँ पता नहीं कितने का था एक्जैक्टली, पर कभी भी पोलैंड से सस्ता था भाई, पूरे सॉलिड मस्ती सब 20 रुपए वाला जो इंडिया में 20 का मिलता है। वी आर सिटिंग हियर इन द रैंडम स्ट्रीट इन बुडापेस्ट, ये बहुत ही सुंदर नजारा है एंड शी स्पेस बिकॉज आई कीप फिल्मिंग एवरीथिंग। नो नॉट बिकॉज ऑफ दैट, बट यू टेल मी टू क्रिएट दिस एंड यू ओनली वर्क विद द कैमरा, यू नो द वेट ऑफ माय डीएसएलआर सो बिग। बैठे हुए रैंडम स्ट्रीट पे और एक बंदा आया पीछे से, मुझे लगा था वो रोमेनियन जिप्सी था, पता नहीं क्या था भाई, ने बोला कि यू वांट टू बाय परफ्यूम, मैं बोला परफ्यूम एक्सपेंसिव ब्रांड की हुगो बॉस सेंट लॉरेंट गुची अरमानी पता नहीं क्या क्या दिखाने लगा ठीक है, और फिर बोल रहा है कि आई हैव बॉट दिस फॉर ड्यूटी फ्री, ये तो आपको अगर मैं सस्ते में सेल करना चाहूंगा। मैं बोला भाई ये सब इधर नहीं होता है, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे टूरिस्ट स्कैम है तो यू हैव टू बी अवेयर, किसी लोगों के पंगे मत पड़ जाओ। उसे क्या इंटेंशन थे, हो सकता है हमें पहले दे देता परफ्यूम, प्राइस कुछ और बोलता है, फिर बोलता कि नहीं नहीं अब तू मेरा परफ्यूम ले लिया यूज कर लिए, स्प्रे भी कर दिया मेरे पे, दो तीन स्प्रे मार दिया और फिर बोल रहा है कि यू हैव टू पे नाउ यू हैव टू पे नाउ। मैं उसको ऐसे बोल दिया कि हम यहाँ पे एक वीक से हैं, बहुत शॉपिंग कर चुके हैं, अगेन वी डू द मेट्रो राइड, देखो कितना डीप है भाई ये, आई थिंक दिस इज द डीपेस्ट मेट्रो आई हैव सीन इन माय लाइफ। तो यहाँ पे ना मेट्रो स्टॉप में ऐसे छोटे मोटे शॉप्स भी हैं जहाँ से आप कुछ कुछ चीज़ें परचेस कर सकते हो। भाई पता नहीं ऐसे कपड़े क्यों बेच रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा मुझे, दिस वेरी चीप ड्रेसेस फॉर 240, बहुत सस्ता सस्ता कपड़ा मिल रहा है भाई। यहाँ पे अभी मैं एक लॉकर रूम में जहाँ पे आप अपना बैग वगैरह स्टोर कर सकते हो, रकबा ज़्यादा लगेज है जैसे हमारे पास है, तो अभी हमें थोड़ा घूमना है तो हम बोले भाई लगेज स्टोर कर देते हैं फॉर 2 आवर्स राइट एंड फिर हम आके ले जाएंगे। तो यहाँ पे ऐसा है भाई रेंट स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड फॉर 2 आवर्स ओके 3 आवर्स 2 लॉकर्स वन लॉकर वन फॉर 3 आवर्स यस। और गाइस यहाँ पे अपने कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, मतलब गाइस लिटरली कितना बढ़िया सिस्टम है, इतने बड़े बड़े लॉकर हैं, यहाँ पे मशीन है कोई बंदा नहीं है, आप बस चूज करो जो आपको जो चाहिए, देखो खुल गया हमारा नंबर 34 राइट। फर्स्ट वी शुड पुट द बिग वंस, मतलब गाइस उतना महंगा भी नहीं है, इट्स लाइक 600 रुपीज फॉर 3 आवर्स 600 इंडियन रुपीज फॉर 3 आवर्स काफी सही है भाई। यहाँ पे इन्होंने एक डेमो लॉकर भी दिया है कि आप डाल के देख लो कि आपका सामान अट रहा है कि नहीं, तो हमने ये लिया है स्टैंडर्ड वाला, ये थोड़ा छोटा है पर इसमें हमारा सामान अट गया भाई, थोड़ा चीप भी था ये। खुला है सुबह 7 से 11 बजे के बाद आ गए तो शायद ये बंद रहेगा, तो 9 बजे ले लेंगे यहाँ सामान बिकॉज हमारी फिर बस वगैरह है भाई। 10 PM वी हैव बस बैक टू पोलैंड, फाइनली पोलैंड वापस जा रहे हैं। बी ऑनेस्ट ना मेरे को लिटरली शहर से प्यार हो गया, यहाँ थोड़ी ट्रैफिक वगैरह की प्रॉब्लम है, ओवरऑल दिस सीरीज ब्यूटीफुल भाई। देखिए हमारे पीछे कैट कैफे भी है, बिल्ली वगैरह साथ कॉफी वगैरह पी सकते हो जैसे कैट कैफे। तो गाइस अभी तक मैं जितना भी यूरोपियन सिटीज विजिट करा हूँ सबसे प्यारा भाई बुडापेस्ट ही लगा है। तो यहाँ की नाइट लाइफ, यहाँ का माहौल, रौनक, सब कोई इंग्लिश बोलता है, चीजें उतनी महंगी भी नहीं है। लेकिन आपके ऊपर आप कितना स्पेंड कर रहे हो, एक दिन बाद कहीं घूमने जा रहे हैं अब्रॉड, मैं बोला भाई पैसे के नहीं सोचना है, थोड़ा करते हैं स्पेंड। पॉलिश Let's go. So guys, हमें कुछ पोलैंड की जस्टिना लड़कियां मिली थी, वी सॉ सम पोलिश गर्ल्स एंड आई टोल्ड हर टू टॉक टू देम एट लीस्ट से चाइश हाय। तो गाइस कैसा होता है हमारे इंडियंस का एक हैबिट होती है कि अब्रॉड में आपको दूसरा इंडियन मिलेगा ना कैसे करेगा भाई तू कैसे आ गया, इनका भी सेम ही है भाई। मैं बोला तुम तो यूरोपियन हो यार, फैशन स्ट्रीट या बिकॉज वी नीड टू बाय सम सोवेनियर्स यार। गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे रोड किनारे ना बहुत सारे सोविनियर गिफ्ट शॉप्स वगैरह हैं, इसके कुछ फ्रेंड्स वगैरह हैं, मतलब इसके पोलिश फ्रेंड्स, तो बोले भाई बुडापेस्ट गई हो कुछ लेके आओ गिफ्ट वगैरह, फ्रिज मैग्नेट वगैरह कुछ परचेस करेंगे, होता है ना यार छोटा मोटा सोविनियर्स कुछ गिफ्ट वगैरह। चिमनी केक मिलता है राइट, यू वांट ट्राई चिमनी केक, आप ऐसा बहुत बड़ा सा सर्कल है गोल चक्री, आप जाके पूरे शहर का व्यू इंजॉय कर सकते हो। तो शाम का ऐसा कुछ माहौल है यार, इस तरह की जो रौनक है वो पोलैंड में आज तक नहीं मिली मुझे। ये देखो यहाँ पे रिट्स कार्टन होटल भी है, काफी एक्सपेंसिव होगा।
तो गाइस मतलब लिटरली चार दिन से ऐसे पागलों की तरह ना घोड़ों की तरह दौड़ रहे हैं इधर उधर। आई डोंट नो हाउ मच वी हैव वॉक, मतलब हर दिन भाई 15-20 हजार स्टेप। और अभी 8 घंटे के जो फ्लिक्स बस है उसमें दौड़ लगने वाली है भाई। मैं बोला थोड़ा लोकी रखते हैं, आराम से थोड़ा एंजॉय करते हैं भाई। भाई 4 दिन के लिए आए थे, आई थिंक 4 डेज इज स्टिल नॉट एनफ। अगर आप बुदापेस्ट आ रहे हो तो एकदम आराम आराम से देखना है, तो 5-6 दिन। अगर आपको जल्दी जल्दी में देखना है जैसे हम देखें 3-4 दिन भाई, इतना तो लेके आओ आप। बिकॉज गाइस बहुत बड़ा शहर और बहुत कुछ है करने को, बहुत कुछ है देखने को। नाइट लाइफ क्रेजी है, गर्ल्स क्रेजी है, यूथ क्रेजी है, बिल्डिंग्स क्रेजी है, स्ट्रीट क्रेजी है, कुछ क्रेजी है भाई। ऐसा होता है लाइफ में पैसा किस लिए कमा रहे हैं भाई। शहर देखो, सेविंग करो, पैसे कमाओ, ये सब करो भाई, और क्या। नई नई कंट्रीज देखो, नई नई गर्ल्स के साथ व्हाट क्लोज। हर जगह भीड़ है भाई यहाँ पे। सम कप्स तो गाइस देखिए, हमारी कॉफी आ गई स्टारबक्स, वेरी एक्सपेंसिव। यहाँ पे स्टारबक्स में इन्होंने मेरा नाम लिख दिया नेला, बताओ क्या बात है भाई। वाह क्या बात है, क्या बात। तो गाइस हो गया भाई, कॉफी पी लिए पीछे स्टारबक्स में, अब चलते हैं कुछ सुवेनियर वगैरह परचेस करने और शाम का आपको यहाँ का माहौल दिखाते हैं। अपने नाइट लाइफ वाले वीडियो में तो आपको दिखा चुका हूँ यहाँ का क्या है भाई शाम का माहौल, तब भी आप फिर से देख लो। यहाँ पे दोनों तरफ शॉप्स वगैरह हैं, वेयर यू कैन बाई समथिंग। तो भाई ये सब ब्रांड इतना लग्जरी भी नहीं है, ये तो मैं रोज पहनता हूँ, मतलब रोज नहीं पहनता पर तब भी है मेरे पास। ऐसा कुछ दिखाना जो मैं अफोर्ड ना कर पाऊँ। भाई थोड़ा ज्यादा भोकाली मार रहा हूँ बंदी के सामने। कैल्विन क्लाइन तो ये सब पहनते रहते हैं भाई। फिर से देख लो, मैं पहले दिखाया था दिस इज एम्बेसी ऑफ लिथुएनिया। तो भाई लिथुएनिया का एम्बेसी यहीं पे मार्केट हॉल में। तो मेरे सामने ही है वर्ल्ड ऑफ सुवेनियर्स। भाई देखते हैं कुछ गिफ्ट वगैरह लेना है भाभी जी को अपने फ्रेंड्स के लिए, कैसे कुछ हंगेरियन भाई वोडका वगैरह लिकर वगैरह मेरे को ऐसा कुछ लेना है भाई, काफी कूल लग रहा है। इट्स लाइक अ नंबर प्लेट, वो सही है। पता नहीं यहाँ पे प्राइस मेंशन नहीं है चीज़ों पे। दिस इज अ स्कैम, 15 यूरो। अगर यहाँ प्राइस है 15, थोड़ा एक्सपेंसिव है भाई 15 यूरो फॉर दिस प्लेट, पर अच्छा लग रहा है। आई वांट टू बाय समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पे सारा फ्रिज मैग्नेट, समथिंग विद पार्लियामेंट। तो भाई सारा फ्रिज मैग्नेट है 2 यूरोस, दैट इज लाइक 10 पोलिश लॉटी, मतलब 200 इंडियन रुपीज़। तो ठीक है भाई, उतना महंगा नहीं है। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे भाई मग वगैरह भी हैं कॉफ़ी वगैरह पीने के लिए, चाय पीने के लिए, पर बहुत एक्सपेंसिव है भाई। दिस इज़ फॉर 22 समथिंग यूरोस, बहुत महंगा है भाई ये। फॉर होम यू आर टेकिंग? वन इज़ फॉर माई बॉस, मे बी आई टेक वन फॉर क्रिस, वन फॉर अस। तो गाइस देखो हमने कितना सारा लिया है फ्रिज मैग्नेट, 1, 2, 3, 4 हो गया, 5, 6, 7, that's cool. सबके लिए हो गया भाई। तो let's see what else they have. मुझे ये लेने का बहुत मन कर रहा है, थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा है पर मैं सोच रहा हूँ ले लेता हूँ भाई, बार बार तो आना नहीं है भाई बुदापेस्ट। की रिंग वगैरह मिल रहा है, कितने का ये प्राइस? 4 यूरो, मतलब 12 लॉटी, 250 रुपीज़ का भाई, इंडियन रुपीज़ में 250 इंडियन रुपीज़। थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा है पर बहुत कुछ है यहाँ पे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स। यहाँ पे ऐसा हैट भी मिल रहा है भाई, ये भी सही है, टोपी मिल रही है हंगेरी बुदापेस्ट। यहाँ पे सारे ऐसे टी शर्ट हुडीज भी है, बहुत सही है भाई थी। गाइस यहाँ पे से छोटे मोटे पेंटिंग्स वगैरह भी हैं, ये क्या है भाई? वाह, ऐसे अल्कोहल वाइन वगैरह मिल रहा है, तो ये भी काफ़ी सही है भाई। कुछ है मतलब लिटरली आपको जो भी लेना है बुदापेस्ट रिगार्डिंग सुवेनियर्स, ऑल द गिफ्ट्स आर हियर। छोटे मोटे पौवा भी है भाई, 13 यूरो, मतलब 800 रुपीज़ का है, बहुत छोटा सा महंगा है यार। 800 रुपीज़ में तो बड़ा बॉटल मिल जाता है यहाँ पे पोलैंड में। ये हमारा फ्रिज मैग्नेट, दिस फॉर मी बुदापेस्ट चेन ब्रिज, यू विल नेवर फॉरगेट। तो यहाँ पे ऐसा इन्होंने कुछ ऐसा पता नहीं क्या बेच रहे हैं, ऐसा डाइस। ओ गाइस पता नहीं ये सब क्या है, 8 फ्रिज मैग्नेट, ये पता नहीं बैलून पता नहीं क्या है, ये बॉल और ये दिस इज बेस्ट बाई कार्ड। थैंक यू। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे चॉकलेट्स भी हैं भाई, काफ़ी सही शॉप है। तो गाइस हमने फाइनली जो भी सुवेनियर गिफ्ट, भाभी जी यू हैप्पी? भाई गिफ्ट लेनी है, गिफ्ट लेनी है, गिफ्ट लेनी है, मैं बोला चलो भाई दिलाता हूँ गिफ्ट आ जाओ। पर जितना भी देखा सारा सामान इट वॉज लाइक 14,000, लाइक 140 पोलिश लॉटी, विच इज लाइक आई डोंट नो समथिंग अराउंड 3,000 इंडियन रुपीज़। हम जा रहे हैं कुछ छोटे मोटे शॉप पे, बिकॉज वी नीड टू बाई वाटर बॉटल, पानी लेना है भाई। इतना डिफिकल्ट पार्ट ये है हमारे जर्नी का, बिकॉज इट्स नॉट वेरी कंफर्टेबल। हमने लास्ट मिनट में प्लान करा था तो भाई फ्लाइट वगैरह बहुत एक्सपेंसिव थी। गाइस बस की टिकट थी अराउंड 100 zloty पर पर्सन, मतलब 2,000 इंडियन रुपीज़, फ्रॉम ब्रसेल्स ऑफ पोलैंड टू हंगेरी बुदापेस्ट। प्राइम वगैरह सब कुछ मिल रहा है भाई, वेरी नाइस शॉप। वॉलेट
ना. I think it's too much. Just take one. No, too. You think you'll drink this much water? Yeah. How much water is this? And ये सब क्या क्या है भाई? कोई Korean, Japanese candies? You want to take this? Nah, if you want, you can take. डिफरेंट कंट्रीज का अल्कोहल यहाँ भी भाई, हर जगह अल्कोहल ही मिलता है यहाँ पे और कुछ नहीं. तो ये देखिए यहाँ पे भी कुछ ऐसा बॉडी रिलैक्स स्टूडियो है जहाँ पे ये बॉडी स्क्रैच करते हैं भाई, मतलब आपकी पीठ खुजलाएंगे क्या, ये समझ नहीं आ रहा. थोड़ी सी बॉडी स्क्रैचिंग. इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए यहाँ पे हंगेरी बुदापेस्ट में बैंक ऑफ चाइना, यहाँ पे क्यों है समझ नहीं आ रहा भाई, और चाइनीज फ्लैग भी है. वाओ, क्रेजी हो गया ना गाइस. तो गाइस वी फाइनली केम बैक घूम घाम के, बैग लेने का टाइम आ चुका है. कुछ नहीं करना, यू हैव टू क्लिक ऑन ओपन योर लॉकर एंड प्रेस द कोड. कोड हमारे फोन नंबर पे आ गया था, ईमेल पे आ गया था. या टर्मिनेट, रिमूव ऑल योर ऑब्जेक्ट्स एंड क्लोज द लॉकर. ओके, दैट्स प्रीटी मच फॉर द वीडियो. अब यहां से निकलने वाले हैं, वी विल गो टू द बस स्टॉप जहां पे फ्लिक्स बस आएगी हमारी. ये 10 बजे है, अभी 1 घंटा टाइम है, पर पहले निकल जाएंगे भाई और फिर वहीं पे रेस्ट वगैरह करेंगे, जो भी करेंगे. लाइव व्लॉगिंग करूंगा, यहीं खत्म करता हूं वीडियो. सो गाइस दैट्स प्रीटी मच फॉर द वीडियो. आई रियली होप जो भी छोटी सी कोशिश थी ये पूरे बुदापेस्ट सीरीज, इस सीरीज में बहुत ही थोड़े सिनेमैटिक्स वगैरह मैंने शॉर्ट्स भी ट्राई करे हैं, आई रियली होप आपको पसंद आएगा और आप लोग थोड़ा अप्रिशिएट करो, सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. टिल देन लव फ्रॉम पोलैंड पीस. अभी तो हंगेरी में है, लव फ्रॉम पोलैंड पीस. और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. यू वांट टू डू समथिंग? नो. आई मीन हाउ यू फेल्ट द होल ट्रिप? आई थिंक वी शुड डू मोर इंटरनेशनल ट्रिप्स, राइट? हाँ, तो वैसे ही था. मिलते हैं भाई, थोड़ा प्यार दिखाओ, सपोर्ट दिखाओ. भाभी जी भी इतनी प्यारी सी बातें बोल रही हैं कि आप लोग सब्सक्राइब करो, तो सब्सक्राइब कर दो भाई. मिलते हैं.